पंचायत चुनाव में एक अनोखी तस्वीर सामने आई है मध्य प्रदेश के बैतूल से। यहाँ एक गांव में कोविड के दौरान हुई एक दर्जन मौतों ने ग्रामीणों को इतना खौफजदा कर दिया कि उन्होंने कुर्सी के लिए लड़ने झगड़ने से तौबा कर ली। ग्राम पंचायत में आदिवासी महिला सरपंच से लेकर 20 पंचों तक का चुनाव आम सहमति से हुआ। कुर्सी के लिए कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं और न ही कोई पार्टी बंदी। गाँव वालों की इस पहल की अब खूब तारीफ हो रही है। ये मामला बैतूल के चिचौली जनपद के देवपुर कोटमी पंचायत चुनाव का है। गांव वालों ने वार्ड से लेकर गांव तक जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था उसे सरपंच और पंच बना दिया। ग्रामीणों ने आपसी सहमति से ये तय किया कि किसी भी वार्ड में पंच के लिए कोई दूसरा फॉर्म ना भरा जाए। नतीजा ये हुआ कि सरपंच और पंच निर्विरोध चुन लिए गए। यहाँ आदिवासी महिला निर्मला अंबर इवने को सरपंच चुना गया है। ये पंचायत आदिवासी महिला के लिए आरक्षित है। पढ़ी कहाँ तक पढ़ी है मैडम? दसवीं। दसवीं तक पढ़ी है सर, तो अच्छी पढ़ी लिखी सरपंच मिल गई भाई गांव वालों को तो। कोई मतलब जो आपके पंच 20 पंच चुने गए हैं ये भी सर निरुरोध। हम कोविड को देखते हुए बीच भारत का करेंगे नहीं, जनसभा नहीं करेंगे, एकदम देखते हुए ओमिक्रॉन को देखते हुए हमने पंचायत से डिसीजन लिया। हमारा जो दरअसल कोविड त्रासदी के दौरान इस ग्राम पंचायत में एक दर्जन लोगों ने जान गंवाई थी। मौत ने सारे गांव को प्रेरणा दी कि जब सबको मरना ही है एक दिन तो क्यों पार्टी बंदी और लड़ाई झगड़े में उलझा जाए। जब पंचायत चुनाव का वक्त आया तो एक बैठक आयोजित की गई और उसमें ये तय हुआ कि कोई भी सरपंच या पंच का चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म नहीं भरेगा। ग्रामीणों ने तय किया कि ग्राम पंचायत चूंकि आदिवासी महिला के लिए आरक्षित है इसलिए इस वर्ग की सबसे पढ़ी लिखी महिला जो भी होगी उसे सरपंच बना दिया जाएगा। वार्डो में जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सक्षम हैं, उन्हें पंच चुन लिया गया। इसका कारण यही रहा सर कि हमारे यहाँ पे सभी कुछ समझदार व्यक्ति जो थे उनके बारे वो सभी सोच विचार करके उभरे आए और कोविड-19 का जो बीमारी था कोरोना उसके बारे में पिछले वर्ष कुछ बहुत भैंसा लग गया है। 10-12-13 आदमी करीब निकल चुके हैं तो इसको शासन का तो जो योजना था और नियम थे वो तो ताक पे ही है, लेकिन हमारा भी एक उद्देश्य था कि अपना सुरक्षा अपने को ही करना है। मुंह पे मास्क लगाना, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखना है और साबुन से हाथ धोना है, इस तरीके से अपनाने के लिए गाँव में समझाइश किया जैसे बैठक में। और उसके बाद में एक दिन 2-4 लोग बैठे, उसके बाद में हमने सलाह मशवरा करके दूसरे दिन फिर महासभा बुला लिया पूरे पंचायत भर के व्यक्तियों को बुला के, और उसमें फिर हमने प्रयास किया ये ऐसी ऐसी कंडीशनर चल रही है तो इसके हिसाब से अपन बहुत बहुत छोटे बड़े काम जैसे भी पंचायत में होते हैं तो अपन उसका पूरा सफल आयोजन करते हैं। अब सरपंच पद के लिए चुनी गई अंबर की प्राथमिकता है कि गाँव में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल खोला जाए और साथ ही पेयजल की समस्या लोगों को ना सहनी पड़े इसकी व्यवस्था भी की जाए। पूरे गांव में इस पहल की काफी सराहना की जा रही है। इस इलाके के रिटर्निंग ऑफिसर तहसीलदार नरेश सिंह राजपूत ने ग्रामीणों की पहल की काफी सराहना की। उन्होंने कहा कि इस गांव से सिर्फ 1-1 व्यक्तियों का नामांकन ही मिला था, अब आगे निर्वाचन आयोग जैसा निर्देश देगा उसके हिसाब से परिणाम की घोषणा की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में जो ग्राम पंचायत निर्वाचन का कार्यक्रम जारी है उसी के तहत हमारा एक ग्राम पंचायत देवपुर कोटमी है, वहाँ पर नाम निर्देशन अलग अलग पदों के लिए गए थे तो पंच सरपंच के हमने वहाँ पे क्लस्टर एआरओ था नसीराबाद वहाँ बैठा लेते थे, तो उस पंचायत से हमारे पास 20 वार्ड हैं तो 20 वार्ड से प्रत्येक वार्ड से 1-1 नामांकन पंच पद हेतु प्राप्त हुआ और 1 नामांकन पद पत्र जो है हमारे पास सरपंच पद हेतु प्राप्त हुआ। किसी भी संदर्भ में आप देखें, किसी मायने में देखें तो ये बहुत अच्छा संदेश है कि गांव में एकता है और गांव के लोगों ने एकजुट होकर कोई फैसला लिया है। ये पंचायत का जो मूल मंत्र है पंचायतों के गठन का उसके अनुरूप है और बहुत अच्छा उन्होंने प्रयास उनका प्रयास रहा गाँव वालों का और अनुकरणीय पहल है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।